गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल अगेन टू सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज द क्वेश्चन इज गिवेन फील इन द ब्लैंक्स मींस खाली स्थान को भरिए इन स्पेस न्यूट्रिशन द पैरासाइट्स इज ऑलवेज बेनिफिटेड वेराइज द इज हार्म आपको लिखना है इन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन द पैरासाइट इज ऑलवेज बेनिफिटेड वेयराइज द होस्ट इज हार्म पैरासाइटिक न्यूट्रीशन में पैरासाइट हमेशा फायदे में रहता है लाभ में रहता है जबकि जो होस्ट होता है जिस एनिमल या प्लांट पर यह पैरासाइट रहता है उसे हमेशा नुकसान ही पहुंचता है द सेकेंड क्वेश्चन इज राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स एक्सहिबिट सिम्बायोसिस राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि दलहनी पौधों की गांठों में पाया जाता है वह सिम्बायोसिस रिलेशनशिप दिखाता है मींस सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है द थर्ड क्वेश्चन इज गिवेन आर केमिकल सबस्टेंसेज प्रेजेंट इन फूड मीन्स व्हाट आर द केमिकल सब्सटेंसेज डाइट आर प्रेजेंट इन द फूड मीन्स कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं जो कि भोजन में उपस्थित रहते हैं स्टूडेंट्स हियर यू विल हैव टू राइट दैट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आर केमिकल सबिस्टेंसेज प्रेजेंट इन द फूड और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर द केमिकल दैट आर प्रेजेंट इन द फूड मींस अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ जो कि केमिकल सबस्टेंसेज के रूप में भोजन में प्रेजेंट रहते हैं उपस्थित रहते हैं द फोर्थ क्वेश्चन इज द ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स ट्रैप सनलाइट एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी हियर यू विल आई हैव टू फील द वर्ड केमिकल द क्वेश्चन मीन्स दैट द ग्रीन पिगमेंट मीन्स हरा रंगा पदार्थ प्रजेंट इन लीप जो कि पत्तियों में उपस्थित होता है पाया जाता है ट्रैप सनलाइट वह सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ आकर्षित करता है एंड कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में मीन्स रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है बदल देता है फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवेन द प्रजेंस ऑफ स्टार्च ऑल्सो टेलस दैट टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी जिसके होने को केवल स्टार्च की प्रजेंस ही बता पाती है यहाँ पर आपको यही लिखना है द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च स्टार्च की उपस्थिति आल्सो आल्सोटेरस हमें बताती है दैट की फोटोसेंथेसिस टेक्स प्लेस फोटोसेंथेसिस की क्रिया हो रही है इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स पौधों की पत्तियों में द लास्ट क्वेश्चन इज गिवेन डॉडर इज द आन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट डॉडर एक उदाहरण है किसका पैरासाइट का हियर ऑल द क्वेश्चन आर सॉल्व स्टूडेंट्स आई विल टेल यू इन हिंदी किस प्रकार के न्यूट्रिशन में पूछा गया है कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स जो होते हैं वो हमेशा फायदे में रहते हैं और जो होस्ट होता है उसे हमेशा नुकसान ही होता है दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी फसलों के रूट्स नूडुल में पाया जाता है मींस जड़ों की गाठों में पाया जाता है और यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है सहजीवी संबंध दिखाता है तीसरे में यह कहा गया है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही वे केमिकल हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं चौथे में यह बताया गया है कि द ग्रीन पिगमेंट जो लीफ्स में प्रेजेंट होता है वह सनलाइट को अपनी तरफ आकर्षित करता है और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति या केवल स्टार्च की उपस्थिति यह बताती है कि पौधों की पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है और लास्ट क्वेश्चन में यह बताया गया है कि डॉडर इज एन एग्जांपल ऑफ पैरासाइट डॉडर जो है वह पैरासाइट का एक एग्जांपल एक है दैट्स ऑल फॉर टुडे वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो For the next questions.